यूमी 2007 एक ऐसा फेज था जहां पर उससे पहले 2006 में आपको चोट लगी, हालांकि उस वक्त आप वनडे क्रिकेट में इंडिया के नंबर वन और सबसे बड़े मैच विनर थे। और जैसे मैंने कहा, धोनी और आपकी एक पार्टनरशिप भी थी, एक साझेदारी थी, 5-6 पे आप दोनों जाके मैच जिता लेते, 4-5 या 5-6। 2011 वर्ल्ड कप मुझे याद है जब शुरू होना था, शायद आपको भी याद होगा, जब प्रैक्टिस मैच इंडिया के हुए थे, शायद MS ने एक स्टेटमेंट दिया था वहां पे कि वी हैव टू डिसाइड बिटवीन युवराज एंड सुरेश रायना, अगर आपको भी याद हो, शायद मुझे याद है, बांग्लादेश के पहले मैच से पहले प्रैक्टिस मैचों में। तो उस वक्त बड़ी हैरानी हुई थी कि क्या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यूवी स्टार्टिंग 11 में ना शुरू हो। आपको आपको याद है ये फेज? हाँ जी बिल्कुल, मेरे को सब याद है। आई थिंक रैना की सपोर्ट ज्यादा थी थोड़ी, बिकॉज MS उसे बहुत सपोर्ट करता था। हर कैप्टन का कोई फेवरेट प्लेयर होता है, जितने भी कैप्टन आए हैं सबका फेवरेट प्लेयर था। आई थिंक माही रियली बैक्ड रैना एट दैट टाइम, एंड प्रॉबली यूसुफ पठान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और मैं भी कुछ 40-40 रन बना रहा था, और बीच में एक एक दो दो बीच में दो दो तीन तीन विकेट ले रहा था। एंड रैना का फॉर्म कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था उस टाइम पर, तो आई थिंक शायद इसी वजह से माही ने बोला होगा कि हमको यूवी और माही के यूवी और रैना के बीच में सुरेश में देखना से है। सो प्रॉबली देयर मस्ट बी द रीजन, बट आई थिंक दे डिडंट हैव अ लेफ्ट आर्म स्पिनर एट दैट टाइम, सो एंड आई वाज बोलिंग वेल, मैं विकेट काफी ले रहा था उस टाइम पर, तो आई थिंक दे हैड नो चॉइस। और उसके बाद आपने इंग्लैंड वाले मैच में बैटिंग की, वो पहली बार आपका ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्फिडेंस भी आया, और उसके बाद यू नेवर लुक बैक, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच, बैटिंग बॉलिंग बैटिंग बॉलिंग। यू भी किस स्टेज पे जाके आपको लगा उस वर्ल्ड कप में, यार ये वर्ल्ड कप अब इंडिया जीतेगा ही जीतेगा? क्योंकि मुझे याद है टीम 100% परफॉर्म नहीं कर रही थी, इक्का दुक्का चीजें रह जाती थी हर मैच में। आई थिंक गैरी का बहुत सपोर्ट था, गैरी और सचिन का, बिकॉज दे वॉन्टेड कि यूवी कॉन्फिडेंस में आए। मैंने सचिन से भी वर्ल्ड कप से पहले बात की थी, और मैंने उनको बोला कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है मेरा, यू नो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ये वो। तो मेरे को सचिन ने बोला कि समुंदर में भौचाल आने से पहले समुंदर शांत हो जाता है, बस इतनी बात बोली उन्होंने, और भी बड़ी बातें बोली। तो मैं उठ के चला गया। तो मेरे को गैरी और आई थिंक सचिन का थोड़ा वो था कि यूवी को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है, इंग्लैंड के साथ और पार्टनरशिप अच्छी हो गई थी तो ऊपर बैटिंग करने भेजो। सो आई थिंक गैरी रियली सपोर्टेड कि आई शुड व्हेन एवर द अपॉर्चुनिटी शुड बैट अप द ऑर्डर, बिकॉज विराट बहुत अच्छे फॉर्म में था, साउथ अफ्रीका में रन बना के आया था विराट। सो आई थिंक दे वांटेड टू गिव मी कॉन्फिडेंस, और इंग्लैंड के साथ मैं ऊपर बैटिंग 4 नंबर बैटिंग करने गया विराट की जगह पे, इफ आई शायद आपने रिमेम्बर 50 रन क्लियरली बनाए थे शायद। 50 और 58 बनाए थे मैंने। हाँ जी, वहां से बांग्लादेश के साथ तो मेरी बैटिंग भी नहीं आई फर्स्ट मैच में, तो वहां से आई थिंक मेरे को काफी कॉन्फिडेंस आया। आई थिंक नेक्स्ट मैच आई थिंक आयरलैंड के साथ था, मैंने 5 विकेट और 50 रन भी बनाए। बिल्कुल फिर नीदरलैंड के साथ फिर हमारे 4 आउट हो गए, फिर दोबारा 50 रन बनाए, 2 विकेटें भी ली आप उसमें भी मैन ऑफ द मैच थे। जी। तो मोमेंटम आ गया था मेरे को, तो एक बारी अगर आपको मोमेंटम आ जाए, मेरा करियर में हमेशा ही ऐसे रहा है कि अगर मैंने रन्स बनाए हैं तो मैं बनाता चला गया हूँ, लेकिन जब नहीं बनते थे तो 4-5 इनिंग खराब मेरी हो जाती थी ऐसे। सो मेरा फॉर्म हमेशा ऐसे ही रही है। आप कह रहे मोमेंटम, वैसे क्रिकेट में तो ये कहते हैं ना, माता आ गई बस है। माता ही आ गई सी उस वक्त। जी वो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी, एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाला मैच वाज वेरी क्रूशल, एंड प्रॉब्ली इतना 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 प्रेशर मैंने आई डोंट थिंक मैंने किसी मैच में फेस किया होगा, अच्छा, बट आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग विन, वी गॉट थ्रू दैट। एंड उसके बाद सेमीफाइनल में मोहाली अपने ग्राउंड पे खेल रहा था। मोहाली मेरे लिए बहुत अनलकी ग्राउंड रहा है हमेशा, आपने टेस्ट डेब्यू भी तो वहीं पे किया था, मुझे याद है, जब टेस्ट दादा डेब्यू को वहीं वो, पे किया, मेरा नी भी वहीं पर टूटा, हाँ, चैंपियंस मेरी ट्रॉफी। उंगलियां के फ्रैक्चर भी वहीं पर हुए, तो इट्स नॉट बीन अ लकी ग्राउंड फॉर मी, बट एनीवेज आई थिंक लोग सब लोग मुझे आई थिंक देखने आए होंगे कि ये मेरा लोकल लड़का परफॉर्म कर रहा वर्ल्ड कप में, और मैं पहली बॉल पे आउट हो गया, तो खामोशी ऐसी थी जैसे नॉर्मली सचिन नहीं आउट हुआ होता, तो वो वाली फीलिंग थी। बट आई थिंक वी वर डेस्टिन्ड टू विन। आई थिंक सचिन स्कोर्ड 87 दैट गेम, उनके 2 कैच भी छूटे, एंड आई थिंक इट वाज जस्ट मेंट टू हैपन। और फिर फाइनल,
फाइनल में तो खैर श्रीलंका ने रन भी ठीक ठाक बना दिए थे और यू जिस तरह आप फॉर्म में थे, फिर अचानक से हम देखते हैं कि जब एमएस का पूरा वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं गया था, उन्होंने शायद अपना बेस्ट फाइनल के लिए बचा के रखा था, फिर एमएस आपके पहले गए बैटिंग करने, उस वक्त ड्रेसिंग रूम में एमएस और आपकी बात हुई थी, एमएस ने आपको बताया था कि आप क्यों नहीं जाएंगे और वो क्यों जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। आई थिंक माही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, यू नो, हमारा एक या 2 दिन ऑफ डे अगर होता भी था तो माही नेवर टुक दैट ऑफ डे। ही वाज बैटिंग, अच्छा वर्किंग वेरी हार्ड। आई वाज वाचिंग हिम, ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड एंड आई वाज होपिंग कि यार ये बंदे ने इतनी मेहनत की है, ये इस बम फूटेगा कभी ना कभी तो फूटेगा। बट ऑब्वियसली जब बंदा फॉर्म में नहीं होता तो, और यू नो एज ए कैप्टन 10 चीजें दिमाग में चलती होती है। बट आई थिंक व्हाट आई रिमेम्बर वाज, आई थिंक गैरी, वीरू, सचिन, आई थिंक दे हैड चैट विद एमएस के आई थिंक 2 ऑफ स्पिनर लगे हुए हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर कि अगर गौती आउट हुआ तो मैं जाऊंगा। गौतम लेफ्ट हैंडर हाँ, ऑलरेडी थे। अच्छा अगर विराट आउट हुआ तो फिर माही जाएगा, तो आई थिंक विराट आउट हो गया एंड माही वेंट इन एंड आई थिंक इट वॉज हिज मोमेंट टू गेट इंडिया थ्रू। आई थिंक गौतम और माही की जो पार्टनरशिप हुई प्रीटी मच उसने मैच खत्म कर दिया। जब आप बैटिंग कर गए, मेरे ख्याल 52 बॉल पे 52 रन थे, क्या कोई मन में कोई डाउट था कि यार ऐसा ना होता, वो कहते हैं ना द स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, कोई ऐसा डाउट था जब आप बैटिंग करने गए और एमएस अंदर बैटिंग कर रहे थे? हम इन चीजों के बारे में सोच नहीं रहे थे, डाउट वाउट के बारे में हम सोच नहीं, रहे थे कि बस जान जाए पर ये वर्ल्ड कप नहीं जाना चाहिए आज से। तो आई थिंक वी जस्ट वेंट, विकेट बहुत अच्छा था, बॉल थोड़ी ड्यू आ गई थी तो बैट पे बहुत अच्छा रहा था, तो एक पार्टनरशिप की बात थी। और आई थिंक मेरी और माही की कुछ वही 50 रन की पार्टनरशिप हुई जिसने मैच खत्म कर दिया। और बीच में माही ने एक ओवर में कुछ मलिंगा को 2 या 3 चौके मार दिए, तो वहां से एकदम मैच बिल्कुल वन साइडेड हो गया। और आई फेल्ट कि माही ने इतना ब्रिलियंट नॉक खेला है उस, तो आई थिंक सिंगल लेके मुझे चला गया कि अगर माही छक्का मार के मैच खत्म करे तो आई थिंक ही अच्छा ये कंप्लीटली आपके माइंड में डिजर्व, था, ये आपके माइंड में था। बिकॉज माही एमएस जब नया नया आया था टीम में तो उसको ये रहता था कि अगर मेरी बारी आई तो मेरे को छक्का मार के मैच खत्म करना है। बाद में वो थोड़ा अच्छा सेंसिबल हो गया था कि नहीं यार छोड़ो, यू नो लेट्स गो नॉट आउट, विच वॉज अ बेटर थिंग टू डू। बट आई हैड अ फीलिंग कि ये छक्का मार के मैच खत्म करेगा।